द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्राम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉनमिन अभिनी और ली जिय बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक रहस्यमय और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक कुरी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिशर अजूसी ने किए हैं निर्देशक लीजियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है, है लीजियोबे निर्माता है ली आई लिता होन अभिनीति है बिनजिता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रॉकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हजार सोलह की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइसी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपनी प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है हस अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुण्य प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में सोक और जोन सोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू उसे डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वे आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सौ मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे मायोंग म्यू को अफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मान शोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जा ता है मायूग ग्यू बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीफ की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताय पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिंग साथ था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पार्वती पत्नी पर एक हेल हिटमैन ने मार दिया था जोंग को पर को प्राप्त बर्नर फोन के एक के बाद फिर एक सिख डूब ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिसे इनसे ड्यू चिक को फ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताइसिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताय तायसिक एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक तर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिख को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से ताइसिक को राम राम रोहन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दस्य, सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम रोहन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा, पर दया की थी ले क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सज्जन की थी जिसे रामो राम, राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस ताय और सोमी की सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहाँ वह स्कूल की अन्य आपूर्ति के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शो से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की, के लिए कहता है और आंसू में टूट जाता है क्योंकि वे गले लगते हैं फेंगना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी नहीं किम सो रोन के शो मिल के रूप में है किम ही मेन शौक के रूप में है में जीता है किमसुंग जोंग शोक के रूप में मांसों के भाई हैं, जासूस किमचि गौन के रूप में हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग योगेटू कुलन हैं कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो शियो हों जोंग के रूप में सो सोशी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोग जी हो मयूंग के रूप में सोंग यंग चारा मोनदल शहसियो के रूप में जो शोक होन हैं, जंग डू शिक्को के रूप में जो जोजे यू हैं, होंग शो यू योन के रूप में है नांग नाम सुंग शिक्को के रूप में होंग मिन हो है क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली लीजे ता लीजे जी लीजे जीता के रूप में डू डिचो है रिहाई आपने 6, 6 से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल, ए, कुल बासठ लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हजार दस को लेको को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रेज किया गया था जहां उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में, में बावन हज़ार पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छः में से छः आध लोग छड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलोचकों में से एक रशियल एडवर्सन ऑफ वराइसीटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हार्डबैन वॉन वोन बिन लेखक हेलमर ली, ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तोश की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन मिन अभिनी और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक रहश्यम्य और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुली भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिश्वर अजूसी ने किए निर्देशक जियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है लीजिय निर्माता है ली आई होन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया चीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रॉकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हज़ार सोलह की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइस मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपने प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है हस अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुण्य प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में शोक और जोन शोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वे आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मील के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे ओहमायोंग म्यू को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मानसोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें ग्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायू ग्यू बच निकलता है जबकि ताई को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीफ की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताई पुलिस स्टेशन से भाग चाहता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के, के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी गर्वती पत्नी पर एक हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग प्रा, को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डू को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताक को गोली मारता है जिससे इसे ड्यू ची को क्रांसफ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है तायसिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है तायसिल तायसिक एक दवा निर्माता संयंत्र से कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई शोक को ट्रेक करता है और जहाँ वह एक दर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिख को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें है वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से ताइसिख को राम राम रोहन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताईशिक दुख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम रोहन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दया की थी ले क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सज्जन की थी जिसे राम राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस तायसिक और सोमी की सोमी को तायसिक की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है तायसिक सिख उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल के अन्य आपूर्तियों के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शो मिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसकी उसे गले लगाने की केले कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वे गले लगते हैं फेंकना चाताई सिक्को के रूप में जीता भी नहीं किम सो रोन के मी मि, सो मील के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किमसुंग सुंग ओह जोंग के रूप में मानसो के भाई हैं जासूस किमची गोन के रूप में किम ताई हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वोंगेटू वोंगेट्रे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो गयोम है किम होम किम हो शियो हो जोंग के रूप में सो शोशी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है हो मयूंग ग्योंग के रूप में सोंग यंग चारा मोन्दल शो के रूप में जो शोक होन है जंग डू सिक्कों के रूप में जो जोजे यू है होंग शो यू योन शू के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्कों के रूप में होंग मिन हो क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली लीजे ता लीजे जी लीजे जीता के रूप में डू डिचो है रिहाई आपने छः शा, शा, से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह तक के दौरान फिल्म ने सात ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए वक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल, कुल बासठ लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हजार दस को ले को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रिलीज किया गया था जहाँ उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में, में बावन, बावन हजार पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक में से 6 आठ लोग छड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलाचकों में से एक रशियल एडवर्शन ऑफ वराइसिटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हॉट हाँ बैन बिन लेखक हेलमर ली में खुद एक, एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन मिन अभिनेत्री और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक रहश्यम्य और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुली भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिशर अजूसी ने किए हैं निर्देशक जियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है बे निर्माता है ली आई लीतायोन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया चीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रोकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हज़ार सोलह की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइसी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपने प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहाँ वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में शोक और जोन शोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वह आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि ताएसिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे ओह को देने के लिए दे मजबूर करता है मान शोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायोंग बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीर की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में वह डिलीवरी करता है ताइस पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पत्नी पर एक हेल हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डूब ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिससे इनसे ड्यू चिक को फ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताई सिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताय तायसिक एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान सोंग को ट्रेक करता है और जहां वह एक तर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिक को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वे जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से ताइसिक को राम राम के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दस्य सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की को तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा पर दया की थी ले, क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सज्जन की थी जिसे रामो राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस तायसिक और सोमी की सोमी को तायसिक की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है तायसिक उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल के अन्य आपूर्ति के साथ बेकअप खरीदता है और मेल और शोमिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फेंगना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी नहीं किम सो रोन के में मिल के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किमशुंग जोंग शोक के रूप में मानसोक के भाई हैं, जासूस गोन के रूप में हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वंगे वंगे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो शियो हो जोंग के रूप में सो, सोशी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग ग्यूंग के रूप में सोंग यंग चारा मून दल के रूप में जो शोक होन है जंग डू के रूप में जो जोजे जे यू है होंग सो यूं योन सु के रूप में है नांग नाम सोंग सिक्को के रूप में होंग मिन हो क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली ली जे ता ली जे के रूप में है, रिहाई आपने छह से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल कुल अट्ठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल एक अक्टूबर को दो हजार दस को, ले, को सी, सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में उत्तर थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रिलीज किया गया था जहाँ उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी स्वाखत समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो तक छ में से छह आध लोग सड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलोचकों में से एक रशियल एडवर्शन ऑफ वराइसीटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रिलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हार्ट वॉन बिन लेखक हेलमर ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन बिन अभिनी और ली जिय बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक में और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुदी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिश्वर अजूसी ने किए हैं निर्देशक जियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है, है लीजियोमें निर्माता है ली आई होन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने फो यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रोकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हज़ार सोलह की रिली दो हज़ार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइसी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपनी प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है हस अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक्षक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में सोक और जोन सोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू उसे डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वह आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है अपहरण कर लेता है और उसे ओह को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मान शोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायोंग बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीर की खोद के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइस पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पत्नी पर एक हेल्प हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डू ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिससे इसे ड्यू चिक को फ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताई सिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताय सिर ताई एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक दर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिक को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें है वे जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से ताईसिक को राम रामरोवन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दृश्य सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताईसिक दुख को आत्महत्या करने की को तैयारी करता है तो वे डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम रामरोवन द्वारा बचाएगी जिसने उस पर दा पर दया की थी ले, क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सज्जन की थी जिसे रामो राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस ताय और सोमी की सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहाँ वह स्कूल के अन्य आपूर्ति के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शोमिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फेंकना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी है किम सो रोन के शो मिल के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किमशुंग जोंग शोक के रूप में मांसोक के भाई हैं, जासूस किमचि गौन के रूप में किमताई हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग योगे कुलन हैं कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो शियो हों जोंग के रूप में सो सोशी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग ग्यूंग के रूप में सोंग यंग चारा मून दल के रूप में जो शोक होन है जंग डू के रूप में जो ज, जो जे यू है होंग सोंग यू योन के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्को के रूप में होंग मिन हो क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली ली जे ता ली जे, जी लीजे जे जीता जी के रूप में है, रिहाई आपने छह से सात अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल ए, कुल अट्ठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल एक अक्टूबर को दो हजार दस को, ले, को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में उत्तरदारिक थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रिलीज किया गया था जहाँ उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छह में से छह लोग सड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आला में एक एडवर्सन ऑफ वराइसिटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कैराई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हार्ट वॉन बिन लेखक हेलमर ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन बिन अभिनी और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक रहश्यमय और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक कुरी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिश्वर अजूसी ने किए हैं निर्देशक जियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है बे निर्माता है ली आई ली ताय होन अभिनीति है बिनजिता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रॉकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रीमेक दो हज़ार साल की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइस मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपनी प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है हस अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी और हो होमायोंग का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में सोक और जोन सोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वे आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मील के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे मायोंग म्यू को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मान शोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जा है मायूंगू बच निकलता है जबकि ताय सिख को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीर की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइ सिख पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिंग साथ था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत हो गया उसकी गार्वती पत्नी पर एक हेल हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डू ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिससे ईद से ड्यू चिक को क्रांसफ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताई सिख ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताइसर ताइसिक एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक तर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिक को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से को राम, राम के मन में शोक, शहीद गिरोह का एक सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम, राम रोहन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा, पर दया की थी लेकिन क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गंगस्टर सचिन की थी जिसे रामो राम, राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस ताय और सोमी की सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल के अन्य आपूर्तियों के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और मिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फेंगना चाताई सिक्कों के रूप में जीताबिन है सो रोन के शो मिल के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किमसुंग जोंग शोक के रूप में मांसोक के भाई हैं, जासूस किमचि गौन के रूप में किमताये हून है लुंग के रूप में थान योग वंगे टू, वंगे ट्रे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो शियो हों जोंग के रूप में शो सो, सोसि की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग ग्योंग के रूप में सोंग यंग चारा मोंदल शैशियों के रूप में जो शौक होने हैं जंगडू सिक्कों के रूप में जो जोजे यूं हैं हंग शो यूं योनसू के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्कों के रूप में होंग मिन हुए हो क्वाक ब्यूग क्यू जाशोस के रूप में किम के रूप में है ली लीजे ता लीजे जी लीजे जी जीता के रूप में है रिहाई आपने छह से सात अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, 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 लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल ए, कुल तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल एक अक्टूबर को दो हजार दस को, ले, को सी, सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में करी कि थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रिलीज किया गया था जहाँ उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो तक छः में से छह आठ लोग सड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलोचकों में से एक एडवर्शन ऑफ वराइसी लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रिलर के मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय बिन लेखक हेलमर ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें बिन अभिनी और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का कई रहस्य और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुली भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिशर अजूसी ने किए हैं निर्देशक लीजियोग बी ओम ने किए हैं लेखक है, है बे निर्माता है ली आई लिता होन अभिनी है बिनजिता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जेसो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रॉकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के एक भारतीय रिमेक दो हज़ार साल की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइसी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपने प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुण्य प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में सोक और जोन सोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वह आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे अहमायोंग म्यू को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मान शोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यूंग की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायू ग्यू बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीर की खोद के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइस पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव साथ था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पत्नी पर एक हेलमे हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डू ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिससे ईद से ड्यू को फ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तार के पूर अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताइसिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताय सिर ताई एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक तर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और तायसिक को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से को राम रामरोवन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दस्य, सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम रोहन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा, दया की थी क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सचिन की थी जिसे राम, राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस और शोमी और सोमी, की, सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल के अन्य आपूर्तियों के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शोमिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फैंकना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी ने किम सो रोन के मी सो के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किम सुंग जो शोक के रूप में मानसों के भाई हैं, जासूस किमचि गौन के रूप में हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वंगे टू, वंगे ट्रे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो, हो जोंग के रूप में सो सोशी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग ग्यू के रूप में सोंग यंग चारा मून दल के रूप में जो शोक होन है जंगडू डू के रूप में जो जोजे यूं यू है होंग सो यूं योन सु के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्को के रूप में होंग मिन हो है क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली ली जे ता ली जे, जी ली जीता के रूप में डू डिचो है रिहाई आपने 6 से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, 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 लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल ए, बासठ लाख अठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हज़ार दस को रिले को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रेज किया गया था जहाँ उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में, में बावन हज़ार पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छः में से छः आध लोग छड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलाचबों में से एक रशियल एडवर्शन ऑफ वराइसीटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हार्ट वॉन वोन बिन लेखक हेलमर ली, ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन बिन अभिनी और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का कैक रहश्यम्य और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुदी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिश अजूसी ने किए हैं निर्देशक लीजियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है बे निर्माता है ली आई लीतायोन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रॉकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हजार सोलह की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइसी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपने प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है हस अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो मायुंग गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुण्य प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में सोक और जोन सोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वह आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे ओहमायोंग मूँग को आफिम देने के लिए दे मजबूर करता है मान शोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यूंग की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायू ग्यू बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीर की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में वह डिलीवरी करता है ताइस पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव साथ था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पत्नी पर एक हेलमे हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डू ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिससे इसे ड्यू चिक को क्रांसफ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताइसिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताय सिर तायसिक एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक तर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिख को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से ताइसिक को राम राम रोहन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दस्य, सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम रोहन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा, पर दया की थी ले क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सज्जन की थी जिसे रामो राम, राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस ताय और सोमी की सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहाँ वह स्कूल की अन्य आपूर्ति के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शो से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की आंसू में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फेंगना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी ने किम सो रोन के शो मिल के रूप में है किम ही मेन शौक के रूप में है में जीता है किमसुंग जोंग शोक के रूप में मानसोक के भाई हैं, जासूस किम के रूप में हुन लुम राम रोवन के रूप में थान योग वोंगेट्रे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो, हो जोंग के रूप में सो, सो की माँ जासूस नो रूप के रूप में जोंग जी है हो मयूंग ग्योंग के रूप में सोंग यंग चारा मोंदल शाहीशियो के रूप में जो शौक हुए हैं जंगदू सिक्कों के रूप में जो जोजे यूं हैं हंग सोंग यूं योनसू के रूप में है नांग नाम सोंग सिक्कों के रूप में होंग मिन हुए हो क्वाक ब्यूग क्यू जाशोस के रूप में किम के, के रूप में है ली लीजे ता लीजे जी लीजे जीता के रूप में दो दिचो है रिहाई आपने छः से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान फिल्म सात ने, ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल, ए, कुल बासठ लाख अठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हज़ार दस को रिले को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रेज किया गया था जहाँ उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में, में बावन हज़ार पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यू डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छः में से छः आध लोग छड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलोचकों में से एक रशियल एडवर्सन ऑफ वराइसीटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हार्ट वॉन वोन बिन लेखक हेलमर ली, ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तोश की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन मिन अभिनी और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का कई रहश्यम्य और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुदी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिशर अजूसी ने किए निर्देशक लीजियोग बी ओम ने किए हैं लेखक है, है लीजियोबे निर्माता है ली आई लिताय होन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जेसो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज़ किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रॉकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हजार सोलह की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइसी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपने प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है हस अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई सिख को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुण्य प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में शोक और जोन शोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वे आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मील के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे ओहमायोंग मूँ को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मानसोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें ग्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायू ग्यू बच निकलता है जबकि ताय शेख को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंगे जोंग को शरीर की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइस पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पत्नी पर एक हेलमे हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डूब ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिससे इसे ड्यू चिक को क्रांसफ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताई सिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताइसिर ताइसिक एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक दर्जन गिरोह के दस्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिख को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वे जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से ताइसिक को राम रामरोवन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दृश्य सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की को तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम रामरोवन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर द पर दया की थी ले क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सजिन की थी जिसे रामो राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस ताय और सोमी की सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल की अन्य आपूर्ति के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शोमिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसू में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फेंगना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी नहीं किम शो रोन के में मिल के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किमसुंग जोंग शोक के रूप में मांसोक के भाई हैं, जासूस किमची गोन के रूप में हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वंगे वंगे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो शियो हों जोंग के रूप में सो, सोसी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग ग्योंग के रूप में सोंग यंग चारा मून दल शहसियों के रूप में जो शौक होने हैं जंगडू सिक्कों के रूप में जो जोजे यूं हैं होंग शो यूं योनसू के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्कों के रूप में होंग मिन हुए क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली लीजे ता लीजे जी लीजे जीता के रूप में है, रिहाई आपने छह से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल ए, कुल अट्ठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल इतने ए, एक अक्टूबर को दो हजार दस को, को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में कि थिएटर थे में सम्मिलित थिएटर के लिए रेज किया गया था जहाँ उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी स्वाखत समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो तक छः में से छः लोग सड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलोचकों में से एक रशियल एडवर्शन ऑफ वराइसी लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रिलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हार्ट बिन लेखक हेलमर ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक 2010 तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन बिन अभिनी और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक रहश्यम्य और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुली भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिशर अजूसी ने किए हैं निर्देशक जियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है बे निर्माता है ली आई लीतायोन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया चीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रोकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हजार सोलह की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बूकन में बताया जाता है कि चौताइसी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपनी प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो मायोंग का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में शोक और जोन शोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वह आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे अहमायोंग मूँ को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मानसोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें ग्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायू ग्यू बच निकलता है जबकि ताई को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीफ की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइ पुलिस स्टेशन से भाग चाहता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी गर्भवती पत्नी पर एक हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को, प्रा, को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डूची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताशिक को गोली मारता है जिससे इनसे ड्यू ची को क्रांसफ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक करने के बाद अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है संयंत्र से कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोडे में भाई बड़े भाई मान शोक को करता है और जहाँ वह एक तर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिख को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह है। हैव जो कहता है कि उसकी आंखें है वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से ताइसिख को राम राम रोवन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दस्य सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताशिक दुःख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम रोवन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा, दया की थी ले क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सज्जन की थी जिसे राम राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस तायसिक और सोमी की सोमी को तायसिक की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है तायसिक उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल के अन्य आपूर्तियों के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शो मिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसकी उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वे गले लगते हैं फेंकना चाताई सिक्को के रूप में जीता भी नहीं किम सो रोन के मी मि, सो मील के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किमसुंग सुंग ओह जोंग शोक के रूप में मानसो के भाई हैं जासूस किमची गोन के रूप में किम हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वंगे वंगे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम किम होम किम हो शियो हो, हो जोंग के रूप में सो सोशी की माँ नो रूप के रूप में जोंग जी है हो हों मायूंग के रूप में सोंग यंग चारा मून दल सियो के रूप में जो शोक है जंग डू सिक्कों के रूप में जो जोजे यू है होंग सो यू योन सू के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्कों के रूप में होंग मिन हो है क्वाक ब्युग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली ली जे ता ली जे जी ली जे जीता जी के रूप में डू डिचो है रिहाई आपने छः से सात अगस्त में शुरुआती सप्ताह तक के दौरान फिल्म ने सात ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल, कुल बासठ लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हज़ार दस को ले को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में कर एक थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रिलीज किया गया था जहां उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हज़ार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में, में बावन बावन हज़ार पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ यूएस डॉलर की कमाई की थी शाखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छ में से छः आध लोग हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलाचों में से एक रशियल एडवर्शन ऑफ वराइसिटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हॉट हाँ बैन बिन लेखक हेलमर ली में खुद एक, एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक्शन एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉनमीन अभिनी और ली जिय बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक में और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुदी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिश्वर अजूसी ने किए हैं निर्देशक जियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है, है लीजियोमें निर्माता है ली आई होन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने फो यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रोकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रिमेक दो हज़ार सोलह की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइस मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपनी प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है हस अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक्षक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को और हो गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में शोक और जोन शोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू उसे डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वह आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायसिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे अहमायोंग मूँ को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मानसोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायू ग्यू बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंगे जोंग को शरीर की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइस पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिव था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पत्नी पर एक हेल्प हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डू ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिससे इसे ड्यू चिक को फ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताई सिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताय सिर ताई एक दवा निर्माता संयंत्र के कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक दर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिक को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें है वे जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से को राम, राम के मन में शोक, शहीद गिरोह का एक सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम, राम रोहन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा, पर दया की थी ले, क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गैंगस्टर सज्जन की थी जिसे रामो राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस ताय और सोमी की सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहाँ वह स्कूल के अन्य आपूर्ति के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शोमिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फेंकना चाताई सिक्कों के रूप में जीताबिन है सो रोन के शो मिल के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किमशुंग जोंग शोक के रूप में मांसोक के भाई हैं, जासूस किमचि के रूप में हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वंगे टू, वंगे ट्रे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो शियो हों जोंग के रूप में सो सोशी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग ग्यूंग के रूप में सोंग यंग चारा मून दल के रूप में जो शोक होन है जंग डू के रूप में जो जोजे यूं यू है होंग सो यूं योन सु के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्को के रूप में होंग मिन हो है क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली ली जे ली जे जी ली जे जीता के रूप में डू डिचो है रिहाई आपने 6, 6 से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल ए, कुल बासठ लाख अठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हजार दस को, ले, को सी, सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में उत्तेदारिक थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रेज किया गया था जहां उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में, में बावन, बावन हजार पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छः में से छः आठ लोग सड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलाचकों में से एक रशियल एडवर्सन ऑफ वराइसीटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हार्ट बैन वोन बिन लेखक हेलमर ली, ली में खुद एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक 2010 की दक्षिण कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन बिन अभिनी और ली जिय बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का एक रहश्यमय और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक कुरी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिश्वर अजूसी ने किए हैं निर्देशक जियोंग बी ओम ने किए हैं लेखक है लीजियो निर्माता है ली, ली तान अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हज़ार दस को रिलीज हुई और रोकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रीमेक दो हज़ार साल की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइस मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपने प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक्षक को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में सोक और जोन सोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वह आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायशिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे अहमायोंग मूँ को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मानसोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें ग्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है मायू ग्यू बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीर की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइ पुलिस स्टेशन से भाग चाहता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रचंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिंग था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत्त हो गया उसकी पार्वती पत्नी पर एक हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को, को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक सिख डू ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताक को गोली मारता है जिससे इनसे ड्यू ची को क्रांसफ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तारसिक के पूर्व अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है तायसिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है तायसर तायसिक एक दवा निर्माता संयंत्र से कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोक को ट्रेक करता है और जहाँ वह एक दर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिख को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से तायसिख को राम राम रोवन के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दस्य सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताइसिक दुख को आत्महत्या करने की को तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम रोवन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दया की थी ले क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गंगस्टर सज्जन की थी जिसे रामो राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस तायसिक और सोमी की सोमी को तायसिक की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है तायसिक उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल की अन्य आपूर्तियों के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शो मिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसकी उसे गले लगाने की केले कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वे गले लगते हैं फेंकना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी ने किम सो रोन के मी मि, सो मील के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किम सुंग जोंग शोक के रूप में मानसो के भाई हैं जासूस किम चिगोन के रूप में किम ताई हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वंगे वंगे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो गयोम है किम होम किम हो, हो जोंग के रूप में शो सो, सोशी की माँ जासूसनो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग के रूप में यंग चारा मून दल के रूप में जो शोक है जंग डू शिक्को के रूप में जो जोजे यू है होंग शो यू योन शो के रूप में है नांग नाम सुंग शिक्को के रूप में होंग मिन हो क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली ली जे ता ली जे, जी लीजे जीता के रूप में डू डिचो है रिहाई आपने छः से आठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह तक के दौरान फिल्म ने सात ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल, कुल बासठ लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हजार दस को, ले को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में उत्तर थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रिलीज किया गया था जहां उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में बावन बावन हजार पाँच लाख अट्ठाईस हज़ार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी शाखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छः में से छः आठ लोग छड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलाचकों में से एक रशियल एडवर्सन ऑफ वराइसीटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के मैन ऑफ फ्रॉम नोवेयर पर हवा स्थानीय हॉटबैन वोन बिन लेखक हेलमर ली में खुद एक, एक एक्शन हीरो में बदल द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर एक तो की दक्षिण कोरियाई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वॉन मिन और ली जियोंग बी ओम द्वारा लेखक को निर्देशित किया गया है यह फिल्म 2010 में दक्षिण कोरिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसमें 6.2 मिलियन प्रवेश थे फिल्म का कई रहस्य और छायादार व्यक्ति की कहानी पर अनुशन करती है कि जो एक खुरी भगत शुरू कर देता है जब उसे समझने में एकमात्र व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि संशोधित रोमनकरण में अजी योशी ने किया है मैक्यू मैक्यून रिशर अजूसी ने किए हैं निर्देशक लीजियोग बी ओम ने किए हैं लेखक है ली बे निर्माता है ली आई लिता होन अभिनीति है बिनजीता और किमशे रोन छायांकन लिता यू ने किया संपादन किमशंग बूम ने किया संगीत शिव सिम होन जोंगो ने दिए वितरण किया जीशो इंटरटेनमेंट ने रिलीज चार अगस्त दो हज़ार दस को रिलीज किया गया कार्यक्रम था एक सौ उन्नीस मिनट का देश दक्षिण कोरियाई भाषा कोरियाई बॉक्स ऑफिस में इसने यूएस फोर्टी थ्री मिलियन डॉलर इकट्ठा किए यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में एक अक्टूबर दो हजार दस को रिलीज हुई और रोकी हैंडसम जॉन अब्राहम अभिनेत्री के भारतीय रीमेक दो हज़ार साल की दो हजार सोलह की रि, रिलीज हुई थी बोकन में बताया जाता है कि चौताइी मोहरे की दुकान चलाने वाला एक शांत आदमी है उसका एक मात्र दोस्त एक छोटी लड़की सोमी है जो एक उसी पड़ोस में रहती है सोमी की माँ हो जोंग एक गो नर्तक की और अफीम की दीवानी है अपने प्रेमी के निर्देश पर वह हो जोयोंग बार में बेची जा रही है अफीम पर एक बड़ा पॉकेट चला लेता है जहां वह काम करती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपा देती है जिसे वे सुरक्षित रखने के लिए ताई शिक्ष को देती है और हो चोयोंग को कार्रवाई अपराध के स्वामी को गुयु का ध्यान आकर्षित करती है जो अफीम का एक पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अधि अधिनिश्तों को और भाइयों में सोक और जोन सोक को काम करता है जोन सोंग हो जोंग को एक पता चलता है कि, कि उसे स्वामी की के सामने यातना देती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि कि ड्रग्स कहाँ है उसकी कमी ने डोची और भालू से डराने के लिए तायसिक के पास जाते हैं लेकिन वे आसानी से उन पर काबू पा लेता है यह महसूस करते हुए कि तायशिक के पास सो मिल के लिए एक नरम स्थान है जोंग शोंग उसका अपहरण कर लेता है और उसे मायोंग म्यू को आफीम देने के लिए दे मजबूर करता है मान शोक पुलिस को सूचित करता है कि जिन जिससे उन्हें म्यू की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जा है ग्यू बच निकलता है जबकि ताय को गिरफ्तार कर लिया जाता है होंग जोंग को शरीर की खोज के लिए उसके अंगों को काटा जाता है और कार के एक पिछले हिस्से में डिलीवरी करता है ताइ पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उन्हें अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए चिंतित करता है आगे की जांच पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वे दक्षिण कोरियाई सेना खुफिया के लिए कई प्रशंसकों के साथ एक पूर्व गुप्त ऑपरेटिंग साथ था लेकिन घायल होने के बाद सेवानिवृत हो गया उसकी पार्वती पत्नी का पर एक हेल हिटमैन ने मार दिया था जोंग शोंग को प्राप्त बर्नर फोन के एक लेड़ के बाद फिर एक शिख डूब ची को एक नाइट क्लब में ट्रैक करता है जैसे ही वह पूछता है कि भाई कहाँ है राम राम रोवन अंदर आता है और ताई सिख को गोली मारता है जिसे इनसे ड्यू को फ्रायर में मार जाता है दोनों एक ठहराव के लिए लड़ते हैं और तारसिक को गोली मार दी जाती है खून बह रहा है ताकि तार के पूर अपने अपने पूर्व साथी को ढूंढता है जो गोली को हटाने के लिए आपातकालीन सर्जरी करता है ताइसिक ठीक हो जाता है और साथ ही बंदूक हासिल करने के बाद वह अपने लिए कहता है कि फिर वापस शहर जला जाता है ताय सिर ताई एक दवा निर्माता संयंत्र से कई बाल दसों को ढूंढता है और मुक्त करता है इस प्रक्रिया में जोंग सोंग की हत्या कर दी जाती है वह गिरोह के एक के कोड़े में भाई बड़े भाई मान शोंक को ट्रेक करता है और जहां वह एक तर्जन गिरोह के दृश्य के राम रोवन भी इंतजार करता है मानसिक का कहना है कि उसने स्वामी को मार डाला है और ताइसिक को एक कनेक्ट कंटेनर दिखाता है वह हैव है जो कहता है कि उसकी आंखें हैं वह जानता है चाहता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ गुस्से से को राम, राम के मन में शोक शहीद गिरोह का एक दस्य, सदस्यों को मार डाला जैसे ही ताईसिक दुख को आत्महत्या करने की तैयारी करता है तो वह डरा हुआ गंदा लेकिन बेदाम से सोमी अंधेरे से निकलता है और राम राम रोहन द्वारा बचाई गई जिसने उस पर दा, दया की थी ले, क्योंकि वह उस पर दया करती है कंटेनर में आंखें गंगस्टर सचिन की थी जिसे राम, राम रोहन ने ऑफ कैमरा कर दिया था पुलिस और शोमी और सोमी, की, सोमी को ताय की गिरफ्तारी के बाद एक सवारी करने की अनुमति देता है जबकि वह सोती है ताय उन्हें एक छोटे से सुविधा स्टोर पर छोड़ने के लिए कहता है जहां वह स्कूल के अन्य आपूर्तियों के साथ बेकअप खरीदता है और मिल और शोमिल से कहता है कि वह अकेले ही रहने वाली है क्योंकि पुलिस को उसे ले जाता है और जाने से पहले वह उसके उसे गले लगाने की के लिए कहता है और आंसुओं में टूट जाता है क्योंकि वह गले लगते हैं फेंकना चाताई सिक्कों के रूप में जीता भी ने किम सो रोन के मी सो मिल के रूप में है किम ही मेन शोक के रूप में है में जीता है किम सुंग जोंग शोक के रूप में मानसों के भाई हैं, जासूस किमचि गौन के रूप में हुन है लुम राम रोवन के रूप में थान योग वंगे टू, वंगे ट्रे कुलन है कार्यस्थल के बच्चों के रूप में लीडो ग्योम है किम होम किम हो, हो जोंग के रूप में सो सोशी की माँ जासूस नो रूप के रूप में लोंग जोंग जी है। हो मयूंग ग्यू के रूप में सोंग यंग चारा मून दल के रूप में जो शोक होन है जंग डू के रूप में जो जोजे यूं यू है होंग सो यूं योन सु के रूप में है नांग नाम सुंग सिक्को के रूप में होंग मिन हो है क्वाक ब्यूग क्यू जासूस के रूप में किम के रूप में है ली ली जे ता ली जे, जी ली जीता के रूप में डू डिचो है रिहाई आपने 6 से साठ अगस्त में शुरुआती सप्ताह के दौरान सात ने, ने ने लाख बारह हजार आठ सौ चालीस प्रवेश दर्शन किए जो सीधे पांच हफ्तों के लिए बॉक्स ऑफिस पर चार्ट पर एक नंबर वन स्थान पर रहा सत्रह नवंबर दो हजार दस को अपनी नाटकीय दौड़ पूरी करने के बाद इसने कुल, ए, कुल बासठ लाख अठाईस हज़ार तीन सौ टिकट बेचे थे फिल्म ने दक्षिण कोरियाई कोरियाई में कुल इतने एक अक्टूबर को दो हज़ार दस को रिली को सीजे एंटरटेनमेंट फिल्म में उत्तरकारी थिएटर में सम्मिलित थिएटर के लिए रेज किया गया था जहां उसने शुरुआती सप्ताह में एक थिएटर में पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन अमेरिकी डॉलर की कमाई की रिलीज होने के उन्नीस थिएटर तक बढ़ने के बाद फिल्म ने यूएस कनाडा में, में बावन हज़ार पाँच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर यूएस डॉलर की कमाई की थी साखा समारोह में बताया गया है कि अगस्त दो हजार तेरह तक छः में से छः आध लोग छड़े हुए टमाटर के सकारात्मक समीक्षा दी उन आलाचबों में से एक रशियल एडवर्शन ऑफ वराइसीटीन लिखा था क्रूर सिंह के लिए गतिशील कार्रवाई थ्रेलर के द मैन ऑफ फ्रॉम नोवियर पर हवा स्थानीय हॉटबैंड वोन